पॉलीफाइबर उद्योग है हमारे यहाँ और अफीम और मेथाइल खेती के लिए सब विख्यात है। भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। अफीम की कैसे खेती होती है? सर ये नवंबर में हो जाती है, अक्टूबर के लास्ट नवंबर की शुरुआत में, और सर 3 महीने खेती होती है और इसको बोया जाता है। उसके बाद सर लगभग में मार्च की शुरुआत में जब इसके फल अब पके हो जाते हैं तो उसको सर शाम को जो है उसमें निशान चीर दिया जाता है, इसको छेया जाता है हमारे यहाँ बोला जाता है, और सुबह सर सूर्य निकलने से पहले उसको जो है अफीम निकलती है उसको सुबह काछा जाता है। तो उसका जो दूध है दूध वो किस चीज़ में लिया जाता है, निकाला जाता है? सर वो फल नहीं निकलता है, सुबह से एक ऐसा एक यंत्र बनाया जाता है उसी से सर एक फल से जो है उसको उसको खींच लिया जाता है। और फल के जो दाने होते हैं फल में, जी सर, उनका उपयोग क्या होता है? सर उसका तो जैसे सही मेवा मिष्ठान में उसका रामदाने के रूप में उसका यूज करते हैं मेवा मिष्ठान वगैरह में, और सर काफ़ी महंगा बिकता है वो। रामदाना अलग है कि अलग है सर? रामदाना अलग है हाँ, लेकिन उसी टाइप से उसको मेवा जो होते हैं जो उसमें उसको यूज किया जाता है। पोस्ता जिसका पोस्ता का जी सर उसी को तो कहते हैं। जी सर। बाराबंकी के नज़दीक और कौन से जिले हैं? सर प्रदेश की हमारी राजधानी लखनऊ है, सर रायबरेली है, अमेठी है, फैजाबाद है, तो ये है। किस मंडल में आता है? सर फैजाबाद मंडल में आता है। फैजाबाद मंडल में आता है। कितने हैं मंडल उत्तर प्रदेश में? सर 18 मंडल है। 18 मंडल है जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अब बताएं कि इस समय चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उसका नाम है आसिया बीबी। काफी चर्चा में ये है और इसकी वजह क्या है? सही सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि इतिहास में अशोक को महान कहा जाता है, अकबर को भी महान कहा जाता है, आपकी दृष्टि में अगर दोनों महान हैं तो ही अगर अंग देने की बारी आए तो आप किसको ज़्यादा अंग देंगे? सर अशोक। कारण क्या है? सर अशोक बहुत बड़े सम्राट का नेतृत्व कर रहे थे, जो विश्व का सबसे बड़ा सम्राट था, अगर वो चाहते तो विश्व विजेता के अभियान पर निकल सकते थे, और लेकिन उन्होंने जो है एक सर अहिंसावादी नीति अपनाई जो पहली बार विश्व में कर रहे थे, एक नवाचार था वो, और सभी मतलब एक एक पंथ से संबंधित होने के बाद उन्होंने सारे पंथों को महत्व दिया और जनता के कल्याण से घोषित किया थे, क्योंकि वो सर धौली अलग में घोषित करते हैं सारी प्रजा मेरी संतान है, तो वो भौतिक उत्थान के साथ साथ वो आध्यात्मिक उत्थान भी बल दे रहे होते हैं। पहली बार सर वहाँ से जो आज आधुनिक काल के लोग कल्याण करी राज की अवधारणा है उसी समय ने अशोक निर्णय दिया था। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? सर ये 4 प्रांतों में था, एक पाटलिपुत्र का केंद्रीय भाग था, सर एक था तहसीला स्वर्गिरी उज्जैन और कली पाटलिपुत्र, ये 4 प्रांत की राजधानियाँ थी ये सर। क्या उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, प्राच्यपथ, मध्य देश ये नहीं था? सर ये जो मैंने बताया ये सबकी राजधानी थी उज्जैन। किस तरह से तो 5 प्रांत हो जाते हैं सर? मध्य प्रांत की राजधानी जो है वो उनका जो केंद्रीय भाग था वो पाटलिपुत्र था, मैंने बताया मध्य भाग वो सर राजधानी थी उसकी पाटलिपुत्र थे, और बाकी 4 ये थे। प्राची प्रदेश में बता रहे उसकी राजधानी कहाँ थी? जो प्राची प्रदेश बताए उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र तो मध्य देश। अच्छा अच्छा, ये बताइए फाहियान यात्री, रेनसांग और मेगास्थनीस, ये 3 विदेशी यात्री आए, इनमें यूनानी कौन था? वो किसके काल में आया? और वेनसांग? ये सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। वेनसांग सॉरी वो हर्ष के समय आए थे, और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। गुप्त काल को स्वर्णिम क्यों कहते हैं? सर गुप्त काल ने कुछ ऐसे मानदंड स्थापित किए थे जिसको हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि ये स्वर्णिम की अवधारणा है,
अगर उसका हम विश्लेषण करते हैं तो कला साहित्य में सॉरी उनकी अवधारणा सही लगती है हमें, और अन्य चीज़ों में तो ये मिथक ही लगता है। अन्य चीज़ों में मिथक मतलब ये सही उतना सही सॉरी उनकी अवधारणा सही सटीक नहीं बैठती है। गुप्त काल में एक प्रताप के शासक था समुद्रगुप्त, जी सर, उसने विदेश नीति अपनी एक निश्चित की थी, और वो विदेश नीति क्या थी? सर ग्रहण मोच के लिए थे। ये क्या है सर? राज्य को जीतने के बाद जो है वापस कर देता था कुछ चीज़ें, पूरा इसको कहें इसका पूरा वो बताएं, और स्वकर्णियों पाया। हाँ सर, मतलब उपहार विषय भक्ति, जी सर, शासन याचना, जी सर, उसने इस प्रकार की विदेश नीति, जी सर, उसकी प्रशस्ति के बारे में किसने कार्य किया है? हरसेन उसका संग्रह विग्रह विग्रह जो थे हरसेन, उन्होंने पर्याप्त हिंदी में लिखा है उन्होंने चंपू शैली। ये क्या होता है चंपू शैली? ये गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है उसे चंपू शैली कहा जाता है। अच्छा, इतिहास में दो भोज हुए, भोज प्रतिहार, भोज परमार, इन दोनों में क्या अंतर है? पहले कौन हुआ? दो भोज है इतिहास में, प्रतिहार पहले हुए थे, प्रतिहार पहले हुए और भोज परमार। एक उपलब्धि बताएं भोज प्रतिहार की जो भोज परमार से सर, वो सर जो तिब्बती संघर्ष था उसको उन्होंने अंग्रेज कमजोर हो रहा था बनाया था खोज के समय ही प्रतिहार वंश के शासक थे। तिब्बती संघर्ष जो चल रहा था सर राजपाल प्रतिहार और राजपूत हुआ तो उनके समय जो है समाप्त हो गया। अच्छा, एक शासक है राजस्थान का और वो कभी परास्त नहीं हुआ, उसका नाम है राणा कुंभा, जी सर, कैसे निधन हो गया इसका? ये काफी चर्चित व्यक्तित्व माने गए इतिहास में, इसके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? जी सर, मनसबदारी व्यवस्था सर ये अकबर के मुगल प्रशासन में इसको लागू किया था। ये सर एक तरह से मुगल साम्राज्य की इस पाती ढांचा थी, इसके माध्यम से आप अकबर ने सिविल और सैन्य व्यवस्था को जोड़ दिया था। सिविल और सैन्य दोनों तत्वों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। इसमें सर जात और सवार के आधार पर जो है रैंक स्थापित होती करता था, उनका मनसबदारों का कद और वेतन दोनों निर्धारित किया जाता था जात और सवार के आधार पर। जैन दर्शन में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? समय ज्ञान, समय दर्शन, समय चरित्र। और बौद्ध दर्शन में भी त्रिपिटक सर की ओर त्रिरत्न वहाँ भी कहे जाते हैं सर, वे कौन से हैं सर? उनके यहाँ ये विनय पिटक, अवतम पिटक, पिटक हो गए, ये तो पिटक हो गए, त्रिपिटक। अच्छा, प्रज्ञा सिंह समाज शायद मुझे यहाँ तक याद आ रहा है सर, सॉरी बुद्ध धर्म संघ पढ़े? हाँ, बुद्ध धर्म संघ सर, सर हाँ, बुद्धम शरणम गच्छा संघम। हाँ सर, अष्टांगिक मार्ग क्या है सर? ये महात्मा को द्वारा दिया गया आसक्तों के चौथा भाग में सर है, ये आठ है सर, इसमें जिसमें क्रम से बता दें। हाँ सर, बता दें फर्स्ट वाला मैं बोल रहा हूँ, वो मुझे कोई दिक्कत अगर समय ज्ञान है, ज्ञान सुन लो, समय ज्ञान, समय ज्ञान, समय दर्शन, कुछ तो आप बोलेंगे। अच्छा चले सर, दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचारधारा दी, जी सर, वो बहुत इसमें चर्चा में है, वो कौन सी विचारधारा थी? एकात्मानुवाद सर, इसे व्याख्या करें एकात्मानुवाद कर सर। ये वो व्यक्तवाद, व्यक्ति से समिष्ट की ओर जाता है एकात्मा धर्म का। हमने जो अपना दर्शन दिया वो एक सर्पिलाकार में दिया, जिसमें केंद्र में व्यक्ति को रखा। किस आकार में दिया? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार सर, सर्पिलाकार मतलब सर्पेंटाइल। हाँ सर, एक सर्किल मतलब ऐसे ऐसे करके था सर्पिलाकार। तो उस केंद्र में उन्होंने व्यक्ति को रखा, फिर सर परिवार, फिर जात, फिर समाज, फिर देश, फिर अखंड ब्रह्मांड रखा। और ये सब पहले व्यक्ति है, हाँ, फिर परिवार है, फिर जात है, फिर समाज है, फिर जात है, फिर समाज है, फिर देश है, फिर अखंड ब्रह्मांड है,
और उन्होंने कहा कि ये सब एक दूसरे इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ये सब लगातार अलग नहीं, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये कहेंगे वो क्या बता रहे हैं सर, ये दिखा रहे हैं व्यक्ति से सर उस अखंड ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं और आपस में सब जुड़ा हुआ बता रहे हैं, इसीलिए उनको एकात मानववाद कहा गया सर, कि व्यक्ति से उस समिष्ट की ओर जा रहे थे, इसीलिए उनकी फिलॉसफी को सर एकात मानववाद उन्होंने कहा। इससे फायदा क्या होगा? इससे सर जो आज विभिन्नता लोग आपस में लड़ रहे हैं बहुत आपस में जात धर्म और उसके लेके और एक दूसरे देश में जो सर टेडवार वगैरह चल रहा है उससे इस पर उन्होंने जो है एकीकृत भावना पैदा करने के काम किया था, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है व्यक्ति से लेकर अखंड ब्रह्मांड तक। अपने अंदर कोई ऐसा दो गुण बताइए जिसके आधार पर आप दावा करेंगे कि मेरा चयन होना चाहिए, यानी आपके व्यक्तित्व में दो कौन से ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर आप दावेदारी करेंगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और निर्णय को सर फॉलो फुलफिल करने की होता है, जो सबके अंदर, और दूसरे सर मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क की भावना है, जिससे मैं सर इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क की भावना है। ये क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सर इसको भावना बुद्धिमत्ता क्या होता है, अपनी भावनाओं को मन व्यवस्थित करते हुए सर दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है। आप देख रहे होंगे कि भाई आपके समाज में आप देख रहे होंगे कि आपके समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कोई ऐसी दो चार समस्याएं हमें बताइए जिसको आप उत्तर प्रदेश के समाज में ज़्यादा देख रहे हैं। सर सबसे पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश समाज में से शिक्षा लेकर खासतौर से महिलाओं के जो है शिक्षा में को उतना अभी जागरूकता नहीं है, पहली तो समस्या यही है सर। और दूसरी सर इस समय एक और उसी से जुड़ी हुई समस्या आगे आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भ्रूण हत्या को सर अभी न्यूज में आ रहा है, काफ़ी बढ़ाव मिल रहा है समाज में। तीसरे सर अभी जो है एक समाज में एक नई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए वाली कि भीड़ हिंसा कर दे रही है, मतलब नहीं, वो तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर पूरे समाज में देखा जाए और पूरे दिन में देखा जाए एक आध दो ऐसे बड़े पैमाने पर आप मैंने जिसको ऐसी समस्या है जिसके आधार पर आप उत्तर प्रदेश के विकास को चिन्हित कर सकिए सर, ये समस्याएं हट जाए तो विकास के पथ पर और तेजी से अग्रसर हो जाएगा। सर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर इस पे काम कर दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमारा उत्तर प्रदेश सर आगे, मतलब अभी जैसे चौथी पोजिशन भारत में जी डी पी में है तो और आगे हो जाएगा। अच्छा सर आपने डॉक्टरेट किया है ना? सर मेरी पीएचडी चल रही है अभी, दो महीना पहले सर मैं इनरोल हुआ हूँ, मेरा टॉपिक अभी लाख दो महीना पहले हुआ है। क्या है आपका टॉपिक? भारतीय अर्थव्यवस्था का ह्रास क्लासेस बंगाल में पाया जाता है। ये आपने मेंशन नहीं किया कहीं। एमए आपका किस में? आधुनिक इतिहास है। आधुनिक इतिहास? इतिहास। अच्छा एक बात बताइए कि जब हम इतिहास का जब काल विभाजन करते हैं खंडों में जब हम उनको विभाजित करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? सर ये काल विभाजन पहली बार मिल जेम्स मिल ने किया था, एक साम्राज्यवादी लेखक थे, उन्होंने प्राचीन काल मध्यकाल और इधर ब्रिटिश जब आए तो उसको आधुनिक काल कह दिया, उस आधार पर सर उन्होंने प्राचीन काल को उधर उन्होंने प्राचीन काल करने का हिंदू काल मुस्लिम काल और आधुनिक काल कहा था। तो आशय ये था कि इससे अपनी समझ के लिए ताकि थोड़ा आसान हो जाए इतिहास को समझने में, या वास्तव में उस समय ऐसा कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिनको हम रेखांकित कर सकें कि हाँ ये प्राचीन था ये मिडाइवल हो गया या ये आधुनिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर मिल ने जो विभाजन शुरुआत में किया था वो शासकों के आधार पर किया था, तो जब हिंदू शासक थे तो उसको हिंदू काल कर दिया और जब मुस्लिम शासक आए तो उसको मुस्लिम काल। आपके हिसाब से क्या लगता है और उसके बाद है वो सही है वो सही था? नहीं सर उसके बाद इस विभाजन खंडित करके प्राचीन माना गया कि जो आपका मध्यकाल है मुस्लिम शासन के आगमन से नहीं बल्कि पहले से चालू हो गया था, हर्ष के बाद से ही जो गुप्तोत्तर काल चालू होता है उसके बाद से ही जो है मध्यकाल के शुरुआती चरण दिखाई पड़ने लगते हैं, ये मुस्लिम आगमन से पहले जो है मुस्लिम शासकों के आगमन से पहले ही जो है ये, तब फिर सब प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल के मार्क्सवादी लेखन भारतीय इतिहास में चला आया और उसके बाद से सर ये चल रहा है ये विभाजन।
बात बताइए कि जब ऑलरेडी आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो फिर इधर क्यों आना चाहते हैं? आप एक ही काम करिए थे। सर मेरा प्राथमिक लक्ष्य शुरू से ही सिविल सेवा ही रहा है और मैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहा हूँ। लेकिन इधर इस बीच में इतिहास पढ़ते पढ़ते से इतिहास में रुचि भी हो गई और मेरा अभी तक सिलेक्शन भी नहीं आया, तो मैं एक वैकल्पिक रोजगार के लिए और दूसरे इतिहास में सिर्फ शोध और डॉक्टरेट के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ सर रिसर्च। और कोई उसका उद्देश्य नहीं है, सिंपली शोध डॉक्टरेट करिए सर एक वैकल्पिक रोजगार के लिए, क्योंकि मैं अपना अंतिम करियर नहीं चाहता हूँ सर। अब नहीं चाहते उस क्षेत्र में जाना। अच्छा एक बात बताइए कि जब चारवाक फिलॉसफी की बात होती है तो अक्सर सुनने में आता है कि जो चारवाक का जो उदय था वो कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन के लिए ग्रहण के रूप में था, आप इस बात से सहमति करते हैं? नहीं सर, चारवाक दर्शन जो है भारतीय सर प्राचीन काल से ही भारतीय भूमि ऐसी रही है जहाँ विविध विचारों की बहुलता रही है और चारवाक दर्शन का छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब उदय हो रहा है तो उस समय सर एक तरह से भारत में बौद्धिक क्रांति का समय था और 63 संप्रदाय बौद्ध ने बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख हुआ है और 263 संप्रदाय जैन ग्रंथों में उल्लेख हुआ है कि उससे भारत में प्रचलित थे। तो उसी समय चारवाक का दर्शन आया जिसने भौतिकवाद को बल दिया और जिसकी सुखवाद पर आधारित फिलासफी थी, जिसने भारत की जो दर्शन परंपरा थी उसको विकसित करने में एक तरह से बल दिया और जो भारतीय दर्शन के सामने कुछ ऐसे आक्षेप उसने खड़े कर दिए जिससे भारतीय दर्शन रूढ़वाद से होने बच गया। कोई भी धर्म है उसका एक मूल मंत्र होना बड़ा जरूरी है, जनरली होता है सामान्यतः। जैन में वो कौन सा मूल मंत्र है? अहिंसा। अच्छा थोड़ा सा यूपी के बारे में आप मुझे बताइए कि एक दस्तक परियोजना योगी साहब ने चलाया था, क्या उद्देश्य है इसका? सर ये पहले जो चालू की थी जापानी इन्फ्लाइटिस के नियंत्रण के लिए जागरूक करने के लिए लोग चलाए गए थे टीकाकरण, अब इसमें और भी चीज़ें कपूसण उपूसण भी जोड़ दिया गया। क्या जापानी इन्फ्लाइटिस? इन्सेफेलाइटिस। सौभाग्य योजना का नाम सुना आपने? सौभाग्य योजना जी सर। क्या उद्देश्य है इसका? सर ये हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। हर घर में? इसमें कितने स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है? हर घर से है या कुछ उसमें स्टेट भी आइडेंटिफाई किया गया कि इतने स्टेट्स हैं पहले इनको फिर उसके बाद इतने गांव? अच्छा आपने जीएसटी के बारे में तो सुना हो, क्या है जीएसटी? गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या विशेषता है इसकी जो पहले जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था और अब जो है, कुछ अंतर आया है इसमें? जी सर। क्या है जी सर? एक देश एक कर की अवधारणा जो हमारा सपना था उसके साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इससे सर जो है चीज़ें टैक्स आधार मतलब टैक्स भरने वाले लोग संख्या बढ़ गई है और डिजिटलीकरण होने से आसानी भी हुई है और भ्रष्टाचार नियंत्रित हुआ है। पीछे पहले क्या था मतलब आप थोड़ा सा और उसको बताइए, थोड़ा और विस्तृत में बताइए। पीछे सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर था तो इससे जो है व्यापार में बहुत समस्या होती थी और दूसरे सर जो है डिजिटलीकरण इतना, चूंकि इसमें जीएसटी में काफ़ी डिजिटलीकरण को बल दिया गया है तो उससे जो है टैक्स भरने में लोग चोरी भी कर लेते हैं, काफ़ी टैक्स चोरी। तो इन सब चीज़ों में जीएसटी आने से सर नियंत्रित लगा है क्योंकि अब जैसे विपणन की व्यवस्था इससे अच्छी हो गई है, मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान को जो है पहुंचाने। लोग तो बहुत परेशान हैं जीएसटी को लेकर, तो शुरू में जो चीज़ कुछ आती है तो परेशानी देती है लेकिन अब जो है इससे लोग अभ्यस्त होते जा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इससे सर व्यापारियों को जो रिटर्न होता है उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा जो सबरीमाला का जो इशू है आजकल बहुत चर्चा में जी सर, है ना, इस पर आपकी क्या राय? सर ये भगवान अयप्पा की मंदिर है जिनको ब्रह्मचारी माना जाता है पौराणिक रूप से, तो इसमें पहले था 10 से 50 साल की जो लड़कियाँ औरतें थी उनको वहाँ जाने से वर्जित कर दिया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये हमारे संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है इसलिए वहाँ जाना चाहिए। और सर मेरा भी मानना है सर महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता समानता भी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पे भी अलाउ किया जाना चाहिए। हाँ सर वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी कोर्ट जल्दी ही, क्योंकि सबरीमाला जब हो गया है तो एक तरह से उसका आधार बना के सर वहाँ भी जल्दी ही हो जाएगा।
नहीं सर, अच्छी बात तो ये होनी चाहिए क्योंकि समाज सुधार कोर्ट के माध्यम से नहीं, लोगों के समाज से हमारे उठना चाहिए। लेकिन चूंकि समाज में अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो कोर्ट अगर उसका नेतृत्व कर रहा है और समाज में उसकी सक्रियता बढ़ रही है तो भी अच्छी चीज है। लेकिन अच्छा ज्यादा ये होगा कि इसकी समाज से आवाज उठे सर। अच्छा, इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग कितनी है? लगभग 100 के पास है। लगभग एग्जैक्टली 700। बोलने का जो आपका अंदाज है बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बढ़िया है, जानकारी भी अच्छी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि करंट के बारे में थोड़ा सा और देख लें और सब्जेक्ट के बारे में, तो सामान्य चीज़ें हम लोगों ने पूछा इतिहास के बारे में, उनके बारे में जानकारी जरूरी है, बस पूछ सकते हैं और तो ठीक है। आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर, तो नो डाउट कि वहाँ पे पूरा स्कोप है, जब आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का न्यूज़पेपर और उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनका थोड़ा विशेष रूप से आप विश्लेषण जरूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो शायद समय की कमी की वजह से हो सकता है उन पहलुओं पर टच ना कर पाए हूँ मे भी। अभी कब है आपका इंटरव्यू? 13 दिसंबर। कोई बात नहीं, बहुत सारे है ना, एक मौका मिल सकता है तो निश्चित तौर पे हम लोग शायद अन्य पहलू पे आपको टच कर पाए या उस पर मैं समझ सकूँ। एक चीज़ है, थोड़ा आई कांटेक्ट पे काम कर लीजिए अपना। थोड़ा सा आई कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मुझसे आई कांटेक्ट रखना, क्योंकि ये बोर्ड इंटरव्यू है, ये 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है, इसलिए बोर्ड मेंबर के साथ भी थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा। उसमें ये कि यदि मैंने प्रश्न पूछा तो उस समय मुझसे ही आई कांटेक्ट रखना, उस समय इधर उधर नहीं देखना है। लेकिन जब आप जवाब दे रहे होते हैं तो बोर्ड मेंबर के अदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी थोड़ा सा ही कांटेक्ट बना के रखिए, मतलब तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूछा है तो कम से कम 60-70% तो मुझसे ही आई कांटेक्ट रहेगा, बाकी को भी थोड़ा सा इंगेज करना पड़ेगा आपको, ताकि इट्स लाइक कन्विंसिंग अदर पीपल वाइल सेटिंग देयर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए चीज़ों के बारे में, एक मॉक और ले लीजिए ताकि अदर पहलुओं पर हम आपको टेस्ट कर पाएँ, बाकी सब बढ़िया है आपका। ठीक है, ओके, बेस्ट। पता नहीं